ये तस्वीरें किसी देहात की सड़क की नहीं बल्कि बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की हैं। मानसून की पहली बारिश ने बुंदेलखंड एक्सप्रेस की मजबूती के दावे की पोल खोल दी। उद्घाटन के 5 दिनों के भीतर ये सड़क जगह जगह से धस गई है। करोड़ों रुपयों से बने इस एक्सप्रेसवे का 16 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद जालौन आकर उद्घाटन किया था। बुधवार देर शाम हुई बारिश ने पानी की तरह पैसे बहाकर बनाए गए एक्सप्रेसवे की हकीकत दुनिया के सामने ला दी। बता दें कि बुंदेलखंड एक्सप्रेस चित्रकूट के भरतकूप से शुरू होकर इटावा के कुदर रेल में मिला है। सड़क धसने का ये वीडियो सोशल मीडिया में वायरल होने के बाद सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बीजेपी पर हमला बोला। उन्होंने ट्वीट कर कहा, ये है भाजपा के आधे अधूरे विकास की गुणवत्ता का नमूना। उधर बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का बड़े लोगों ने उद्घाटन किया ही था कि इधर एक हफ्ते में ही इस पर भ्रष्टाचार के बड़े बड़े गड्ढे निकल आए। अच्छा हुआ इस पर रनवे नहीं बना। एक्सप्रेसवे में सड़क धसने की खबर सामने आने के बाद बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की कार्यदायी संस्था UPEIDA ने सड़क की मरम्मत करना शुरू कर दिया। बताया जा रहा है कि बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर किलोमीटर क्रमांक 195 किलोमीटर पर छिरिया सलेमपुर के पास धसक गया है, जिस कारण बीती रात्रि दो कारें और बाइक दुर्घटनाग्रस्त हो गई।